हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटीग्रेटेड फिजिक्स स्टडीज IPS। एथरे मुझे ऑलरेडी प्लस टू सेकेंड इयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एवं मुझे प्लस थ्री CBCS ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोस गुड़ा अपलोड करी। जदि भल लगला तो लाइक करदेव और सब्सक्राइब करदेव। जो वीडियोस गुड़ा मुझे अपलोड करी तार नोटिफिकेशन ये बेल आइकन को ऑल रे सेट करदेव। गोटे इंपोर्टेंट जिनस वीडियोस रो ऊपर एठी जो थ्री डॉट्स देखुच तार क्वालिटी एठी देख बाय डिफॉल्ट 360 अच्छी तुम्हें ताको बढ़े मध्य करिवो। एठी एडवांस रे क्लिक करी तुम्हें रिजोल्यूशन बढ़े पार। प्रति वीडियोस रे मु PDF लिंक देवी ताको एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रु तुम्हें क्लिक करी डाउनलोड मध्य करि परबो PDF को। लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अच्छी याको क्लिक करी तुम्हें एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोस को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखी थी तुम्हें सर्च करि परबो। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज टॉपिक रे हमें पढ़ा अबाउट द फ्रेनेल्स बाय प्रिजम। सो बाय प्रिजम ना रु जणा पड़ुची दैट इट कंसिस्ट ऑफ टू प्रिजम्स व्हिच आर मेड or placed in such a way that you are getting the interference pattern. So yaku scientist Augustin Jean Fresnel 1814 re taiyari karthile hala. So as you can see in this figure, ethi dui ta acute angle prism achi, this and this hala. Yaku emti hisab re sajai ki rakha hichi base to base hala. Here you can see this is the base of the two prism, बेस टू बेस या को प्लेस करके रखा जाए छी हला। अच्छा, एठी जो एक्यूट एंगल एटा पूरा 30 मिनिट हला। सो फिगर रे एमती जणा पडुची जदियो, किंतु एक्चुअल प्रैक्टिस रे देखिबा को बोले एटा माने गोटे डिग्री रो आधा। ओके, सो एक्चुअल प्रैक्टिस रे हमरो फिगर टा प्राय एई भले आसीबो। ओके ओके, बहुत अल्प माने एठी एंगल टा देखो 179 डिग्री होउची हला। सो 179 माने 180 डिग्री हेले गोटे स्ट्रेट लाइन आसे। सो एटा माने अति अल्प एंगल रो इंक्लिनेशन अच्छी। सो फिगर एठी बस जानिबा पई एमती फिगर कराई छी। अच्छा, सो एक्यूट एंगल टा बहुत छोटो जेमती हमें देखिला क्लोज टू 30 मिनिट्स। नाउ व्हेन लाइट फॉल्स फ्रॉम द सोर्स एस ऑन टू द पर्सन ए बी एंड ए सी ऑफ द बाय प्रिज्म। सो देखो एठी फिगर रे तुम्हें देखिपड़ दुईटा पोर्सन अच्छी, गोटे है एठी ए बी आ गोटे है ए सी। मूल सोर्स होमर एठी एस। सो ए बी आउ ए सी रे लाइटा एठी हिट कला ए भलिया। ओके, हिट कला परे एबे कौन हम एबे एमती आमको आभास लगे जे ये एक्चुअली दुईटा वर्चुअल सोर्स एस वन आउ एस टू रु आसुची। सो दैट दे आर नाउ मेकिंग एन इमेज ऑन द स्क्रीन हला। एठी स्क्रीन होची एटा, एठी इमेज टा हमरा आसला बी बी डैश, आ एठी तमरो एस वन एस टू रे सीधा लाइन रे अच्छी ए ए डैश। हियर ओ इज द सेंट्रल पॉइंट। ओके, सो यही भाया आमर इमेज फॉर्मेशन आसीची। अच्छा देख, सो एठी लिखला ये जे इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम टू वर्चुअल सोर्सेस एस वन एस टू, जमती फिगर रे देखली ए वर्चुअल सोर्सेस एस वन आउ एस टू एमिट करुचंती लाइट वेव्स व्हिच इंटरफियर एंड प्रोड्यूस एंड इंटरफेरेंस पैटर्न। सो देखो जमती मूल सोर्सटा तेणु जेहेतु गोटे, तेणु कंडीशन फॉर कोहेरेंस एठी सैटिस्फाई हो जाउची। देयर इज एब्सोल्युटली नो फेज डिफरेंस और ए कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन द टू सोर्सेस एस वन एंड एस टू। ना द स्क्रीन कैन बी रिप्लेस्ड, एटी जो ऊपर आम स्क्रीन टा देखला ताकु रिप्लेस आम करिपरिबा बाय एन आईपीस और अ लो पावर माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व द फ्रिंजेस। जो फ्रिंज पैटर्न टाइप आम पाइबा इंटरफेरेंस द्वारा ताकु देखिबा पई आम आईपीस किंबा गोटे लो पावर माइक्रोस्कोप रे स्क्रीन को रिप्लेस करिपरिबा। ओके, देख एठी जो मझी पॉइंटा रहला सेंट्रल पॉइंट ओ, आम यापर इट इज इक्व डिस्टेंस फ्रॉम द टू सोर्सेस एस वन एंड एस टू। सो जो पॉइंट ओ रे आम गोटे मैक्सिमम इंटेंसिटी रो फ्रिंज पाइबा है। सो दिस इज द सेंट्रल पॉइंट हैविंग अ ब्राइट स्पॉट, या दुई साइड रे ब्राइट स्पॉट रो आम पाइबा कौन ना अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस व्हिच आर ऑब्जर्व ऑन बोथ साइड ऑफ द सेंट्रल पॉइंट। अच्छा, जो एस वन रु लाइट टा एठी आसुची देखो फिगर रे,
ହେଲା ଏସ୍ ୱାନ୍ ଏଇ ସୋର୍ସରୁ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ଟା ଆସୁଛି ଇଏ ଇଲୁମିନେଟ୍ କରୁଛି ଏଇ ରିଜନ୍କୁ ହେଲା ମାନେ ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ବି ଏଇ ରିଜନ୍ ଯେତିକି ଆସିଲେ ୟାକୁ ଏସ୍ ୱାନ୍ ଇଲୁମିନେଟ୍ କରୁଛି ସିମିଲାର୍ଲି ଏସ୍ ଟୁ କେଉଁ ରିଜନ୍କୁ ଇଲୁମିନେଟ୍ କରୁଛି ସିଧା ଲାଇନ୍ ଡ୍ର କରିଦିଅ ଏ ଆଉ ବି ଡ୍ୟାସ୍ ଏଇ ରିଜନ୍କୁ ଏସ୍ ଟୁ ଇଲୁମିନେଟ୍ କରୁଛି ସୋ ଦେଖ ଏଠି ଯେଉଁ ଏ ଆଉ ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ହେଲା ଏ ଆଉ ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ରହିଲା ଏଇ ରିଜନ୍ରୁ ଯେମିତି ବାହାରକୁ ଲାଇଟ୍ଟା ନ ପଳେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଏକ୍ସ ଆଉ ଏକ୍ସ ଡ୍ୟାସ୍ର ଦୁଇଟା ଷ୍ଟପର୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଓକେ ସୋ ଏଇ ଷ୍ଟପର୍ର କାମ ହେଲା ଟୁ ଆଭଏଡ୍ ଲାଇଟ୍ ରିଚିଂ ଟୁ ଦ ଅଦର୍ ରିଜନ୍ସ ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ବିୟଣ୍ଡ ଏ ଆଣ୍ଡ ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ୟଙ୍ଗସ୍ ଡବଲ୍ ସ୍ଲିଟ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟରେ ମନେ ପକାଅ ଆମେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ତା'ର ବେସିକ୍ ଥିଓରି ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲା ଏଠି ବି ସେଇଆ ହିଁ ହେବ ଏବଂ ଫ୍ରିଞ୍ଜ ୱିଡ୍ଥର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ବାହାରିବ ଠିକ୍ ସେମିତି ବିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଲାମ୍ବଡ଼ା କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଡି ବାଏ ସ୍ମଲ୍ ଡି ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଦେଖ ୟଙ୍ଗସ୍ ଡବଲ୍ ସ୍ଲିଟ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେଥିରେ ଆମେ ୱି ୱେର୍ ଟୁ ଆପ୍ରକ୍ସିମେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ସ୍ଲିଟ୍ସ ବିହେଭ୍ ଲାଇକ୍ ପଏଣ୍ଟ ସୋର୍ସେସ୍ ଆଚ୍ଛା ଏଜ୍ ଦ ସ୍ଲିଟ୍ସ ୱେର୍ ହାଭିଙ୍ଗ ଫାଇନାଇଟ୍ ୱିଡ୍ଥ ସେଠି ଆମର ସ୍ଲିଟ୍ ଗୁଡ଼ାର ୱିଡ୍ଥଟା ଫାଇନାଇଟ୍ ଥିଲା ସୋ ଇଟ୍ ଗେଭ୍ ରାଇଜ୍ ଟୁ ଦ ଅନୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଡିଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଇଫେକ୍ଟ ହେଲା ଡିଫ୍ରାକ୍ସନ୍ କହିଲେ କ'ଣ ଦ ବେଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ଓକେ ସୋ ଡିଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଇଫେକ୍ଟଟା ଆସିଲା ୱିଚ୍ ୱାଜ୍ ଅ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ କନ୍ସିଡ଼ର ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ସ୍ଲିଟ୍ସ ଆଜ୍ ଦ ପଏଣ୍ଟ କୋହେରେଣ୍ଟ ସୋର୍ସେସ୍ ସ୍ଲିଟ୍କୁ ଆମେ ପଏଣ୍ଟ କୋହେରେଣ୍ଟ ସୋର୍ସେସ୍ କେମିତି ନେବା ତାକୁ ମାନେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଟିକିଏ ସେଥିରେ ତୁମର କ'ଣ ନା ଡିଫରେନ୍ସଟା ଆସିଲା ଅର୍ କଣ୍ଟ୍ରାରି ଟିକେ ଆସିଲା ସୋ ଫ୍ରେନେଲ୍ସ ବାଇ ପ୍ରିଜମ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଓଭରକମ୍ ହେଇଗଲା ଓକେ ସୋ ଇଟ୍ ଓଭରକମ୍ସ ଦିସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ସ୍ଲିଟ୍ସ ବାଇ ରିପ୍ଲେସିଂ ଦେମ୍ ୱିଥ୍ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ସ୍ଲିଟ୍ସ ଏସ୍ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ ଟୁ ଫ୍ରମ୍ ଏ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସୋର୍ସ ଏସ୍ ଯେଉଁଟା ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ସ୍ଲିଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଆସିଲା ଆମେ ୟାକୁ ସିମ୍ପଲି କନ୍ସିଡ଼ର କରିପାରିବା ଏଜ୍ ପଏଣ୍ଟ ସୋର୍ସେସ୍ ଅର୍ ପଏଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଏମାନଙ୍କର ବିହେଭିଅର୍ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଓକେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ସ୍ଲିଟ୍ସ ଅଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ୟାକୁ ପିଓରଲି ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ସ୍ଲିଟ୍ସ ବୋଲିକି ନେଇଛୁ ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏରାଇଜ୍ କରେ କ'ଣ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଇଟ୍ ବିକମ୍ସ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ମେଜର୍ ଦ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବିଟୁଇନ୍ ଦିଜ୍ ଟୁ ସ୍ଲିଟ୍ସ ସ୍ମଲ୍ ଡି ମାନେ ଏଠି ଏସ୍ ୱାନ୍ ଆଉ ଏସ୍ ଟୁ ଯେହେତୁ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ବା ଆଭାସୀ ତେଣୁ ୟାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏବେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେମିତି ପାଇପାରିବା ସୋ ୟାକୁ ମେଜର୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାୟୋପ୍ରିଜମ୍ ଆଉ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅଛି ୟା ମଝିରେ ଗୋଟେ କନଭର୍ଜିଂ ଅର୍ କନଭେକ୍ସ ଲେନ୍ସ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ହେଲା ସୋ ଏବେ ଆମେ ରିଏଲ୍ ଇମେଜ୍ ପାଇପାରିବା ଏଇ ଦୁଇଟା ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ସ୍ଲିଟ୍ସର ରିଏଲ୍ ଇମେଜ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ ଅନ୍ ଦ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସୋ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ରିଏଲ୍ ଇମେଜ୍ ପାଇଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯାହା ହେବ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଦ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଟୁ ସୋର୍ସେସ୍ ଅର୍ ଦ ଟୁ ସ୍ଲିଟ୍ସ ଏସ୍ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ ଟୁ ଓକେ ଆକୁ ପଢ଼ିବା ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ମଲ୍ ଡିର ଡିଟର୍ମିନେସନ୍ ତାକୁ ଆଉ ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଗ୍ଲେଜ୍ ବ୍ରୁକ୍ ସେ କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ ମେଥଡ୍ ୟୁଜ୍ କଲେ ଡିସ୍ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ମେଥଡ୍ ସେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ କନଭେକ୍ସ ଲେନ୍ସ ନେଲେ ତାକୁ ରଖିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାୟୋପ୍ରିଜମ୍ ଆଉ ଆଇପିସ୍ ମଝିରେ ହେଲା ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ କନଭେକ୍ସ ଲେନ୍ସ ଫାଷ୍ଟ ଏଠି ଏଲ୍ ୱାନ୍ ପୋଜିସନ୍ରେ ରଖାଗଲା ୱିଥ୍ ଇଟ୍ସ ଅପ୍ରାଇଟ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦ ବାୟୋପ୍ରିଜମ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇପିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ଆଚ୍ଛା ଇନିସିଆଲି ଏଇ ଯେଉଁ କନଭେକ୍ସ ଲେନ୍ସକୁ ଆମେ ବାୟୋପ୍ରିଜମ୍ର ପାଖରେ ରଖିଛୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ଲେସ୍ଡ କ୍ଲୋଜ୍ଡ ଟୁ ଦ ବାୟୋପ୍ରିଜମ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦ ସୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦ ଆଇପିସ୍ ଇଜ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟେଡ୍ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ ଫୋର୍ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଫୋକାଲ୍ ଲେନ୍ଥ ଅଫ୍ ଦିସ୍ କନଭେକ୍ସ ଲେନ୍ସ ମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ତୁମର ସୋର୍ସ ଆଉ ଆଇପିସ୍ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ୱିଚ୍ ଇଜ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଡି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର୍ ଦେନ୍ ଫୋର୍ ଟାଇମ୍ସ ସପୋଜ୍ ଫୋକାଲ୍ ଲେନ୍ଥ ଏଇ କନଭେକ୍ସ ଲେନ୍ସର ହେଲା ଏଫ୍ ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର୍ ଦେନ୍ ଫୋର୍ ଏଫ୍ ହେଲା ସୋ ଏଇ କେସ୍ରେ ଦେଖ ଯେହେତୁ ଏଇ କନଭେକ୍ସ ଲେନ୍ସଟା ବାୟୋପ୍ରିଜମ୍ର ପାଖରେ ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ସୋର୍ସ ଏସ୍ ୱାନ୍ ଆଉ ଏସ୍ ଟୁର ଗୋଟେ ମେଗ୍ନିଫାଏଡ୍ ଇମେଜ୍ ପାଇବା ହେଲା ମେଗ୍ନିଫାଏଡ୍ ଇମେଜ୍ ଅଫ୍ ଏସ୍ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ ଟୁ ଇଜ୍ ଅବଟେଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦିସ୍ କେସ୍ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଏଠି ମେଗ୍ନିଫାଏଡ୍ ଇମେଜ୍ ପାଇଲା ପରେ ସପୋଜ୍ ସ୍ମଲ୍ ଡି ୱାନ୍ ହେଇଗଲା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଏସ୍ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ ଟୁ
which is measured by using micrometer scale. अच्छा एबे कौन करिबा हमें convex lens रो position change करिबा. It is moved now towards the eyepiece to a new position, suppose L2. हैला L2 position केमती पाइबा सेते बेलो पर्यंत याकु move करिबा जेते बेलो जाए गुटे diminished image नो आसी छि S1 आउ S2 रो माने diminished means छोटिया image. So ए जागा रे केस रे गुटे जिन सब मार्क करो. फर्स्ट केस रे जो थरे की convex lens रु source रो distance which is the object distance एठी u होतला. सिमिलरली convex lens रु तमरो eyepiece रो distance जोटा की तमरो image distance एटा होतला v. ओके दिस वन इज u, दिस वन इज v. ओके एटा फर्स्ट केस पई. सेकंड केस पई ठीक उल्टा हे जबो माने एठी एबे सेकंड केस जो तिरले convex lens रा तमरो L2 पोजीशन रे थिबो ताले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टा हे जबो ठीक उल्टा एबे v हे जबो आ इमेज डिस्टेंस टा ठीक उल्टा एबे एठी u हे जबो. ओके सो सेकंड केस रे सपोज एबे d2 हे गला डिस्टेंस बिटवीन द सोर्सेस S1 एंड S2 फॉर दिस पोजीशन L2 ऑफ द लेंस. ताले एबे हमें याकु लेखि परिबा इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन केमिति ना फॉर द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द लेंस L1 वी हैव द रेशियो v बाय u व्हिच इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. सो इट इज d1 बाय स्मॉल d. सिमिलरली फॉर द सेकंड पोजीशन L2 एबे जेतु उल्टी जाई छी सो u बाय v बिकम्स इक्वल टू d2 बाय स्मॉल डी. एबे इक्वेशन 1 और 2 को हमें सिंपली मल्टीप्लाई कर देले एठी बोथ साइड रे वी बाय यू अछि यू बाय वी कैंसिल आउट हे गला व्हिच सो एटा एलएचएस रे 1 आसीला इट इज इक्वल टू दिस मच. सो याको हमें एबे सिंपलीफाई करी के लिखिले डी स्क्वायर रो वैल्यू d1 * d2 आसी जबो और डी बिकम्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ d1 एंड d2. तबे आ गोटे सेकंड मेथड अछि ए जो स्मॉल डी रो मेजरमेंट पई कोन ना हमें एथिरे डिटरमाइन करबा करेक्टली द रिफ्रैक्टिंग एंगल अल्फा एच शोन इन द फिगर 4.7. देख फर्स्ट फिगर जो थिला एथिरे हमें ए जो रिफ्रैक्टिंग एंगल अल्फा व्हिच इज नियरली इक्वल टू 30 मिनट्स यार वैल्यूटा मेजर करबा. सो तापर हमें यदि सपोज एठी मेजर करि सारला अल्फा देन एबे डेविएशन को बाहर करि परबा हला. सपोज डेविएशन हला डेल्टा प्रोड्यूस्ड बाय द बाय प्रिज्म देन आमे जानिचू प्लस 2 रे आमे डेविएशन बाय प्रिज्म रे ए फार्मूला टा पाइथिला डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इनटू अल्फा. सो ए फार्मूला को लगेबा हेंस द टोटल एंगल बिटवीन S1 ए आउ S2 बी इट बिकम्स इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा. सो इफ द डिस्टेंस बिटवीन द बाय प्रिज्म एंड द स्लिट एस इज टेकन टू बी एक्स ताले डी रो वैल्यू हिजबो 2 डेल्टा एक्स. एबे डेल्टा रो रिप्लेसमेंट म्यू माइनस 1 इनटू अल्फा हमें पुट कर देबा. एठी आई थिंक टिके प्रिंटिंग मिस्टेक अछि एठी गोटे फैक्टर 2 आसीबो हला. डी इक्वल टू 2 इनटू म्यू माइनस 1 अल्फा इनटू एक्स हेबा कथा मु याको एडिट कर देबी. सो लास्ट रे द पॉइंट्स टू रिमेंबर द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ द लाइट कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग दिस फ्रेनेल्स by prism experiment if we know the value of beta capital D and small d and it can be known by using the relation beta equal to lambda capital D by small d. Okay, thank you.